बिहार के बक्सर में अपराधियों को पकड़ने की मुहिम पे पुलिस ने 12 अपराधियों को हिरासत में लिया। इसमें से 4 अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं। इन सभी ने मिलकर जेल में के विभिन्न बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले 7 लोगों को लूटा है। वहीं सदर डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि अपराधियों के पास से 2 हथियार, मोबाइल फोन और 10,000 नकद बरामद हुआ है। आपको बता दें, पुलिस बहुत समय से मामले का खुलासा करने में लगी हुई थी। वहीं कड़ी मेहनत के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो सकी। पिछले 2 महीने से सीएसपी संचेतन संचालकों के कैश लूट की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इसमें 5 केस लूट की घटना घटी थी और 1 सीएसपी बैंक को लूटा गया था। ये घटनाएं सब 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर की हैं और घटनाएं लगभग लगातार हर 10 दिन के अंदर में 5 दिन के अंदर में हो रही थी। पुलिस अधीक्षक बक्सर के नेतृत्व में स्वयं के मॉनिटरिंग में टीम का गठन करते हुए लगभग हर दिन सीडीआर एनालिसिस और जो भी होता है इसमें इनपुट लेना, एनालिसिस करना, वेट कराना और छापेमारी लगातार चल रही है। बीच में हम लोग को जानकारी भी मिली कौन कौन है ग्रुप में और हम लोग इस मौके में थे कि इस तरह से रेड